मोदी जी इन जवानों को चाहिए वन रैंक वन पेंशन, इन जवानों को चाहिए बराबर नहीं ज्यादा एमएसपी, और इन जवानों को आपने इनके अधिकार से वंचित कर रखा है, और उन अधिकारी जो 70 साल से इनका शोषण करते हुए आ रहे हैं, आखिर आप इस वीडियो से आपकी आंखें खुली या नहीं खुली? वो अपना सब कुछ झोंक के इस देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, ताकि आप सदन में अपनी छाती खोल के खड़े हो जाओ, और ये आपको जश्न मनाने का मौका दे रहे हैं आपके जवान जवान जवान। दोस्तों मैं इस बंदे को सलूट करता हूं, जितेंद्र देव, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने लिखा है, जरा ध्यान से सुनिए, चीनी सैनिकों को कैसे भगाने पर मजबूर किया हमारे बहादुर सैनिकों ने। मोदी जी, आपके दिल्ली में जो अफसर है एयर कंडीशन में बैठ के खूब बकवास करते हैं, खूब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जरा उन्होंने चूड़ी पहन रखी है। बेशर्म अधिकारी जवान के लिए निम्न पॉलिसी बनाकर 70 साल से शोषण कर रहे हैं। एक सिपाही को इस देश में ट्रेन से फेंक दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट कह दी जाती है कि नहीं, सिपाही गुनहगार है, टीटी का कोई गुनाह नहीं है। ये वीडियो, शायद ये वीडियो आज हम सब की आंखें खोल देगा कि कैसे सैनिक बिल्कुल मोर्चे पे डटे और कितने जोश और जज्बे के साथ इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और इसका जश्न मनाने का अधिकार आपको है, नेताजियों, नेताओं को, अधिकारियों को, सब इसका श्रेय लेंगे। लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा कि इनका अधिकार नहीं है मिलिट्री सर्विस पे का। एक मिलिट्री नर्सिंग अफसर जो हॉस्पिटल में बैठी है उनको मिल जाता है, अधिकारियों को 15,500 मिल जाता है, इनको 5,200 क्यों? अब देखिए, ओआरओपी है उन लोगों के लिए जो जल्दी रिटायर्ड होते हैं ताकि वो अपना घर परिवार चला सकें, वो सैनिक, लेकिन उन्हें तुमने कुछ नहीं दिया, बाकियों के सब मलाई लूट रहे, आखिर ऐसा क्यों है? इन्हें इनके अधिकार से क्यों वंचित रखा है? ये देश का दुर्भाग्य है, जो देश की लड़ रहे हैं और उन्हीं का शोषण हो रहा है। जो देश के लिए असली हीरो है, असली लड़ रहे हैं, अपने हाथ में हथियार लेके लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ झांक कर लड़ रहे हैं, उनके पीछे परिवार की चिंता किए बगैर लड़ रहे हैं ताकि देश उनके लिए कुछ कर सके, आज देश को इनके लिए सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। मोदी जी, आज इनकी ये 2-3 मांगे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे घूम रही है, और आपको इन आप बिल्कुल अनसुनी कर रहे हो, लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सब आवाजें जा रही है। और ये मैं कहता हूं, मैं ऐसे एडवोकेट साहब को सल्यूट करता हूं जो हमारी आवाज यानी हमारे जवानों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं और जवानों के लिए काम करते हैं। एक्स सर्विसमैन जवानों के लिए खुलकर बेबाक अपनी बातें रखते हैं, और चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो, ये हमेशा डट करके छाती खोल के जवानों के लिए खड़े हैं। मैं इनके बात से पूरी तरह सहमत हूं, आप भी सहमत हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज में हमारी आवाज मिल करके एक बहुत बड़ी आवाज बने। जय हिंद।